नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, आम जनता से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरा सदा सौदा विसिन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है? नेहा। क्या क्वालिफिकेशन है मैम आपके? आई एम ग्रेजुएट। मैम, डेरा सजा सौदा संस्था में आपने कभी विजिट किया है? हाँ, मैंने डेरा सजा सौदा में पिछले एक साल से रेगुलर विजिट कर रही हूँ। मैम, मतलब 4 साल होने वाले हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा नहीं है अब सोसाइटी में, समाज में, इसके बाद आपने किस क्यूरोसिटी से, मतलब किस तरीके से आप आश्रम में पहुँचे? बस मेरे इन लॉज मानते हैं तो मैं आश्रम में मैंने विजिट किया आफ्टर मैरिज, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ अंदर से। बहुत ऐसा लगा कि ये एक धाम है, एक रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पे सबकी विशेस भी पूरी होती है। बीइंग गर्ल, सेफ्टी महसूस की मैं आश्रम? सेफ्टी की तो बात कहूँगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो सेफ्टी ना हो। और इवन मैं तो नहीं मानती ऐसी जगह गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी बहन भाई का इतना मानता है कि भाई अलग उसमें रहते हैं, बहनें अलग रहती हैं, और इवन जो सिमरन करने का प्लेस है वो भी बहन भाई का अलग है। और सेफ्टी के नाम पे मुझे तो वहाँ कोई इनसिक्योर फील नहीं हुआ। मैम, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था 4-5 साल पहले, काफ़ी खबरें दिखाई जा रही थी आश्रम को लेकर, क्या लगता अब आपका क्या? वो तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली फेक था, वो फेक था बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, फिर आपने कैसा महसूस किया, मतलब कैसा है फिर, मतलब क्या है रियलिटी आश्रम की, क्या रियलिटी लगती है आपको संत जी की? रियलिटी तो वही है, ये एक भगवान, हमारे लिए ये एक भगवान का रूप है, ये क्या बोलूँ, हमारे लिए तो एक भगवान का रूप है। और जब भी हम इनके पास जाते हैं हम बहुत अच्छा और बहुत शांतिपूर्वक फील करते हैं। अगर मैं किसी भी टेंशन में होती हूँ मैं सिमरन करती हूँ। मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है लेकिन मैं नारे का जाप करके सिमरन करती हूँ, जैसा कि मुझे बोला था अगर नाम नहीं लिया है तो आप नारे का जाप कीजिए, और मैं नारे का जाप करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। और मैं इन पर बहुत विश्वास करती हूँ, आँख बंद करके विश्वास करती हूँ। इवन मैंने तो ये सोचा अगर मेरा कोई नहीं तो मेरे पिताजी हैं, गुरुजी हैं। मैम, सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए गुरुजी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? समाज के लिए बहुत कुछ किया है। एक सबसे पहले वो वहाँ से जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनको सेव किया, वहाँ से उनको लाए, फिर उनकी शादी कराई, उनका ट्रीटमेंट कराया पूरा, उनकी शादी कराई और किसी को ऐसा पता नहीं चलने दिया कि ये प्रोस्टिट्यूट है ऐसा कुछ। तो अगर वो इतना कर सकते हैं और जो उन पर लगाए गए एलिगेशन है वो एब्सोल्युटली फेक है। क्या आपको लगता है सोसाइटी को नीड है ऐसे संत की, ऐसे? हाँ, मुझे तो लगता है यहाँ पर सबको नीड है गुरुजी की, और मैं चाहती हूँ वो बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, 4 साल होने वाले हैं लगभग, उनके ना रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उनके ना रहने से वैसे कोई किसी पर वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सबकी विशेज भी पूरी हो रही है रेगुलर बेसिस पे, सब डेरे जा रहे हैं, लंगर भी होता है वहाँ और कॉन्ट्रीब्यूट भी सब करते हैं, और ये नाम चर्चा भी होती है। बस सबको पिताजी की कमी महसूस होती है, सबको लगता है कि हमारे पिताजी जल्दी से आ जाएं बस। मैम, आप उन लड़कियों को क्या कहोगी जिन्होंने मीडिया के द्वारा डेरा सजा सौदा को जाना है, उनके दिमाग में डर कह सकते हैं हम है आश्रम में सेफ्टी को लेकर? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि आश्रम में अगर ऐसी कोई सेफ्टी होनी चाहिए, सब कुछ वहाँ सेपरेट है, गर्ल्स का सेपरेट है, बॉयज़ का सेपरेट है, और अगर जो भी होता है वो सबके सामने ही होता है। और सब क्या अपील करोगे सरकार से आप? मैं तो सरकार से अपील करूँगी जल्दी से हमारे पिताजी को हमें वापस दे दो, और जो भी पिताजी पे लगाए गए एलिगेशन है वो एब्सोल्युटली फेक है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा विसिन डॉक्टर। मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है और मैं आँख बंद करके विश्वास करती हूँ पिताजी पे, और मेरे सब कुछ वो है, मैंने अपना सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया है। इतनी आस्था आम जनता की भी जुड़ रही है, जो उनके जब से संत जी नहीं है उनके बाद ही आश्रम में इन्होंने विजिट किया और देखा क्या है असलियत डेरा सच्चा सौदा की, और लगातार ये लोग आपके सामने भी बता रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा फिर आखिर क्यों, मतलब एक संत को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, जिस संत ने वेश्या तक को बेटी बनाया,
जिस संत ने इतने इंसानियत के कार्य समाज के लिए किए, आखिर क्यों उसी संत को समाज में बदनाम करने की कोशिश की गई, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत